अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं आलू और गोभी को फ्राई कर लिया है। यहाँ पे हमने सारे मसाले पीस लिए। इसमें है प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन, और इधर साइड में हमने अपना तेल गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना सारा मसाला जो हमने पीसा था, वो पीस डाल देंगे हम। इसमें अदरक, लहसुन, प्याज सब कुछ पिसा हुआ है। इधर हम कुछ अपने सूखे मसाले निकाल लेंगे, जिसमें नमक है, धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और गरम मसाला नहीं था तो मैं गरम मसाला मैं अपने हाथों से पीस के बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमने टमाटर का जो पेस्ट वो सब बनाया था, हमने उसे अच्छे से भून लिया है दो से तीन मिनट तक। यहाँ पे हम सूखे मसाले अपने डाल देंगे, और गरम मसाला मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। तो देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे अपना पिसा हुआ। तो देख सकते हैं गरम मसाले मैंने क्या क्या लिया है। तो सारा कुल मिला के करीब करीब पीसने के बाद एक चम्मच मसाला हमारा बना था, तो हम इसे हम मिक्स करके हम सारा अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको हम अपने मसाले में डाल देंगे। हम देख सकते हैं ये, तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। तो हम इस पर अपना जो हाथ से बनाया था हमने मसाला, उसको हम डाल देंगे ऊपर से। मसाला भी हमारा बढ़िया से भून चुका है, तब हम इसमें देख सकते हैं, तब हम इसमें अपना आलू डाल देंगे और गोभी डाल देंगे। और अच्छे से इन्हें भूनने के बाद, दो से तीन मिनट भूनने के बाद, इसमें हम हल्का सा पानी डाल के हम इसको ढक के पका लेंगे। आप इसे चाहे पराठे के साथ भी ऐसे खा सकते हैं, अगर तरी वाला बनाना हो तो तरी वाला भी बना सकते हैं, हल्का मसाला लटर पटर बनाना हो तो भी बना सकते हैं आप इसे। तो हमने तो रोटी के साथ और चावल के साथ खाया था हमने, तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी हमारी। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऊपर से धनिया से हमने गार्निशिंग कर दिया है सब्जी में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।